आपने सही पढ़ा, एक महीने के अंदर एक ही कार को दो अलग अलग सेफ्टी रेटिंग मिली है। पिछले महीने यूरो एनकैप में ह्युंडई टूसोन को सेफ्टी के लिए 5 स्टार की रेटिंग मिली थी। हालांकि एक महीने बाद ही लेटिन एनकैप क्रैश टेस्ट में इस कार को 0 स्टार की रेटिंग मिली है। इसके साथ ही इसने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये संस्थाएं कारों का क्रैश टेस्ट करके एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए कार कितनी सुरक्षित है इसकी रेटिंग देते हैं। लेकिन यहाँ एक ही कार को अलग अलग क्रैश टेस्ट में अलग अलग सबसे ज़्यादा 5 स्टार और सबसे कम 0 स्टार की रेटिंग मिलती है, तो यहाँ निश्चित है कि ग्राहकों का विश्वास कम होता है। हालांकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मितेश, और चलिए जानते हैं कि इसकी वजह आखिर है क्या। पहले जिस मॉडल को 5 स्टार की रेटिंग दी गई थी वो यूरो एनकैप द्वारा दी गई थी और ये नई जनरेशन की ट्यूसोन के लिए मिली है। दूसरी तरफ जिस मॉडल को 0 स्टार की रेटिंग मिली है वो लेटिन एनकैप ने दी है और ये एसयूवी के पुराने जनरेशन मॉडल को मिली है, जो इंडिया के अलावा कई इंटरनेशनल बाजारों में अब भी बेचा जा रहा है। ऐसे में दोनों कारों का अलग अलग सेफ्टी रेटिंग मिलना स्वाभाविक है। पिछले कुछ महीनों में इन दोनों मॉडल में बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि हुंडई ने हाल ही में बिल्कुल नई पीढ़ी की ट्यूसोन एसयूवी लॉन्च की है, जिसे जल्द ही कई देशों में लॉन्च किया जाएगा। इसमें इंडिया भी शामिल है। नई जनरेशन ह्युंडई ट्यूसोन का क्रैश टेस्ट लेटिन एनकैप द्वारा किया गया, जिसमें सामने से होने वाली टक्कर में ड्राइवर और पैसेंजर्स सुरक्षित पाए गए। ये एसयूवी 2 एयरबैग्स के साथ आई है और अगले दोनों यात्रियों के सिर और घुटने और सीना टक्कर के दौरान सुरक्षित है। भारतीय बाजार में ट्यूसोन एसयूवी का पुराना मॉडल बेचा जा रहा है, जिसे सुरक्षा के लिए 0 स्टार की रेटिंग मिली है। देश में एसयूवी की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 22,59,000 रुपये है, जो टॉप मॉडल के लिए 27,47,000 रुपये तक जाती है। सोचने वाली बात यह है कि एक 27 लाख वाली कार को 0 स्टार की रेटिंग मिलती है, जो अभी भी इंडिया में बेचा जा रहा है। हालांकि ह्युंडई इंडिया टूसोन के नेक्स्ट जनरेशन को इंडिया में लॉन्च करने वाली है। इससे आशा तो यही है कि ये गाड़ी 5 स्टार की रेटिंग ले आए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।